जानिए किचन में क्या करें क्या ना करें। आजकल ऑलिव ऑयल का चलन है, लेकिन उसके इस्तेमाल से पहले ज़रूर पता करें कि क्या आपका ऑलिव ऑयल गर्म आंच पर पकाए जाने वाले डोसे और सब्जियों के लिए ठीक है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल का इस्तेमाल ना करें। कभी कभार अगर आप इस तेल में कुछ तलना चाहें तो पहले तेल का स्मोक पॉइंट पता करें, क्योंकि खराब या जले हुए तेल में पका हुआ घर का खाना भी हमेशा अच्छा नहीं हो सकता। अलग अलग आकार की सब्जियों को एक साथ पैन में सौटे केवल इसलिए ना करें क्योंकि जो रेसिपी बुक आपने पढ़ी उसमें बड़ी सुंदर दिख रही थी। सब्जियों को समान आकार में काटें। अलग अलग और बड़े आकार में कटी सब्जियों को पकने में समय लगेगा और उनके पोषक तत्व भी नष्ट हो जाएंगे। साथ ही सब्जियों को पैन या कढ़ाई में उन्हें पकने में लगने वाले समय के हिसाब से डालें, ना कि एक साथ। जैसे गाजर को पकने में शिमला मिर्च से अधिक समय लगता है, इसलिए पैन में पहले गाजर डालें। ऐसे नॉनस्टिक बर्तनों का इस्तेमाल ना करें जिनकी कोटिंग या उन पर लगी काली परत निकल रही हो, क्योंकि गर्म होने पर ऐसे बर्तनों से अजीब सी गंध आने लगती है। टेफ्लॉन कोटिंग वाले नॉनस्टिक बर्तनों को तेज आंच पर खाना बनाने के लिए ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसे बर्तनों में उठने वाली भभक सेहत के लिहाज से अच्छी नहीं। माइक्रोवेव से निकाल कर पहले देख लें कि खाना अच्छी तरह से पका है या नहीं, उसके बाद परोसें। जूस, मिल्क शेक और स्मूदी जैसी चीज़ों को फ्रिज में ना रखें। फलों को काटने के बाद तुरंत खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पहले से कटे हुए फल खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं। सुबह के नाश्ते में ब्रेड या रोटी जरूर खाएं, इस तरह प्रोटीन के अवशोषण के लिए शरीर को जरूरी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो सकेगा। रिसर्च के मुताबिक शुगर फ्री का मीठा सेहत के लिए उतना भी अच्छा नहीं होता जैसा कि विज्ञापनों में दिखाया जाता है, इसलिए हर मिठाई में उसका इस्तेमाल ना करें। खाने पीने का सामान प्लास्टिक के बजाय स्टील के डब्बों में रखें।